ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल कंसिलिएंट रिसर्च में। माई सेल्फ पीयूष कुमार, हम इक्विटी रिसर्च का कोर्स कर रहे हैं। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले जाके मुझे लिंक्डइन पे जाके फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करता हूँ मैं कि आप एक बिजनेस एनालिस्ट तो बनी जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप मुझे वहाँ पर फॉलो करें और रिक्वेस्ट भेजें। यहाँ पर जब आप मोर पे जाओगे तो जस्ट अ सेकेंड, जब आप मोर वाले सेक्शन पे जाओगे यहाँ पे, तो आपको एक कनेक्ट का बटन मिलेगा। अगर आप लिंक्डइन पे नहीं हो तो आप गलती कर रहे हो। यू नीड टू बी ऑन लिंक्डइन इफ यू वांट टू मेक अ ग्रेट करियर, राइट? मैं इक्विटी रिसर्च एंड वैल्यूएशन में थोड़ी बहुत नॉलेज रखता हूँ। जितने भी नॉलेज है उसको आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। और मैं ग्लोबल कंसिलिएंट रिसर्च एंड वेल्दी रीच मीडिया का फाउंडर हूँ। सो अभी हम इक्विटी रिसर्च का कोर्स कर रहे हैं, शुरू से लेके अंत तक। अब तक हमारे 11 सेशंस हो चुके हैं, जिसे मैंने बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट लेवल तक आपको ले जाने वाला हूँ। एडवांस लेवल बिजनेस एनालिसिस यहाँ पे नहीं सीख पाएंगे हम, क्योंकि एडवांस के लिए टाइम लगता है। थोड़ा इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एफर्ट, वो सिर्फ आप खुद करके ही सीख पाओगे, राइट? हमारे काफ़ी सारे पेड कोर्सेज भी होते हैं, लाइव सेशन होते हैं बैच में। अभी बैच नंबर 1 मैंने फिनिश किया है, बैच नंबर 2 बहुत जल्दी आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड। ऑलराइट, सो हम किस पे थे? हम थे, जस्ट अ सेकेंड, दूसरी विंडो खुल गई। हम थे फोक्स रेशियो एनालिसिस पे। सॉरी, अगर आपने पिछला सेशन मिस कर दिया है, हमने उसमें रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की थी, हमने सारे रेशियोज की बात की थी, हमने जितना भी पूरा रेशियो एनालिसिस था वो पूरा किया था। सो अगर आप डायरेक्टली जंप करके इस सेशन पे, आपको देना है हाईली रिकमेंड यू टू नॉट टू डू दैट। इस सेशन में हम करेंगे कॉमन साइज एनालिसिस एंड आपका डीयू पॉइंट एनालिसिस, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कॉमन साइज एनालिसिस क्या होता है, कॉमन साइज एनालिसिस एंड ड्यू पॉइंट क्यों होता है, राइट? यहाँ पे हम कॉमन साइज से केवल इनकम स्टेटमेंट का करेंगे, बैलेंस शीट का भी होता है, लेकिन बैलेंस शीट का इतना कुछ यूजफुल होता नहीं है। आप बैलेंस शीट को ज्यादातर रेशियो से समझ सकते हो, राइट? सो पूरी इनकम स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे डाल दी है, पूरी फॉर्मेटिंग कर दी है। फॉर्मेटिंग मैंने ऑलरेडी सिखा रखी है पिछले सेशन में, हमने कुछ नहीं किया था। टेम्पलेट शीट यहाँ पे है, टेम्पलेट शीट को हम कॉपी करे जा रहे हैं बस, और उसको अपने हिसाब से नीचे एडिट मारे जा रहे हैं। तो टेम्पलेट शीट बनाने का यही फायदा होता है, कभी भी आप मॉडलिंग करोगे या वैल्यूएशन करोगे, इक्विटी रिसर्च करोगे, जब भी एक टेम्पलेट शीट रहती है ना, आपको पता रहेगा कि पूरा मॉडल आपको एक जैसा लगना चाहिए, अलग अलग शीट नहीं होनी चाहिए। सो मेक श्योर कि आप पहले टेम्पलेट शीट बना लो, राइट? सो लेट्स बिगिन। सो पहले कॉमन साइज को मैं करके दिखाता हूँ, फिर हम थ्योरी पे जाएंगे, ठीक है? कॉमन साइज एनालिसिस क्या होता है फोक्स? कि इनकम स्टेटमेंट का हर पार्ट, इनकम स्टेटमेंट क्या होती है अगर आपको नहीं पता, पिछले सेशन देख के आओ, इनकम स्टेटमेंट मैंने समझा रखी है फ्रॉम स्क्रैच टू फिनिश, राइट? इनकम स्टेटमेंट मुझे ये बताती है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ है, मैंने कितना कमाया, कहाँ कहाँ खर्चा किया, क्या क्या मेरा टैक्सेस है, कितना कुछ है मेरा, वो सब आपको इनकम स्टेटमेंट बताती है, राइट? और एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ वन पर्टिकुलर ईयर और अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इट्स अ फ्लो स्टेटमेंट, ये स्टैटिक स्टेटमेंट नहीं है, ये फ्लो स्टेटमेंट है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलती है, ये मुझे ये बताती है कि बस मेरा प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ। जैसा आप देख सकते हैं कि एंड में यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट आ रहा है, इस वाली शीट में, इस वाली रो में नेट प्रॉफिट का नंबर दिख रहा है। सो जब आप देखोगे कि जो नेट प्रॉफिट है आपका, कंट्रोल बी करते हैं इसको बोल्ड के लिए, नेट प्रॉफिट मुझे बताता है कि नेट सब कुछ कट कुटा के प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, राइट? आप चाहेंगे कि आपकी कंपनी को प्रॉफिट ही हो। सो वर्टिकल एनालिसिस क्या करता है? जैसा मैंने आपको पिछले सेशन में दिखाया था कि ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, यहाँ पे हमने पूरा ट्रेंड देखा था ओवर द ईयर्स, ओवर द ईयर्स कितना सेल्स ग्रोथ है, कितना कुछ है, और फिर हमने रेशियो एनालिसिस किया था, राइट? हमने सेल्स ग्रोथ निकाला, हमने ग्रॉस मार्जिन कैलकुलेट करे, इबिटा मार्जिन, ये वो, लिक्विडिटी रेशियो, सब कुछ किया हमने। कॉमन साइज एनालिसिस मुझे ये बताता है कि ईच लाइन आइटम ऑफ एन इनकम स्टेटमेंट एज अ परसेंट ऑफ सेल्स कितना है, राइट? कि अगर मेरा रॉ मटेरियल कॉस्ट 500 रुपये है, तो एज अ परसेंट ऑफ सेल्स कितना है, कितना है कि, तो मुझे ये पता लगता है कि हर एक चीज का मार्जिन कितना है, कि मुझे पूरा मार्जिन एनालिसिस करके बता देता है कि देखो भाई इनकम स्टेटमेंट में हम इतना कमा रहे हैं और कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है। इससे मुझे क्या पता लगेगा, इट विल गिव मी एन आइडिया कि पूरे इनकम स्टेटमेंट में सबसे ज्यादा बड़ा एक्सपेंस कौन सा है और कौन सा वेरिएबल ऐसा है जिसके मूव होने से, अप डाउन होने से मेरा इनकम स्टेटमेंट हिल सकता है या बन सकता है, राइट? सो इट शोज मी द इट शोज मी मार्जिन्स, राइट? कि ये मुझे मोटा मोटा मार्जिन्स बता रहा है, राइट? सो सबसे बड़ी तो चीज़ यही है इसकी, इट शोज मी द
मार्जिन देने इनकम स्टेटमेंट की, मोटा मोटा इनकम स्टेटमेंट को सबसे ज्यादा क्या चीज इफेक्ट कर रही है, राइट? कि अगर सबसे ज्यादा बड़ा एक्सपेंस मेरा डेप्रिसिएशन है तो मैं बता सकता हूँ कि यार इतना बड़ा एक्सपेंस मेरा डेप्रिसिएशन है, तो कम से कम ये बिजनेस जो है वो काफी ज्यादा एसेट वाला बिजनेस, कि हैवी एसेट है, कि एसेट हैवी बिजनेस है ये, कि एसेट्स का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है इस बिजनेस पे, जो कि एक अच्छा साइन है, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, सो उससे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन आपकी इनकम स्टेटमेंट को क्या चीज हिला सकती है वो आपको पता लगेगा, राइट? सो चलिए करते हैं सबसे पहले तो। चलो ईच लाइन आइटम एज अ परसेंट ऑफ सेल्स, सो मैंने क्या किया है, कॉमन साइज एनालिसिस को मैंने डेटा शीट के बगल में लाके रख दिया है, राइट? ये हमारी टेम्पलेट शीट है, जितना भी हम करेंगे इसी को कॉपी करके करेंगे, राइट? डेटा शीट है, यहाँ से हमें कुछ भी खराब नहीं करना डेटा शीट को, आईटीसी की डेटा शीट है ये, स्क्रीनर से मिल जाएगी, यहाँ पे आइए आप, कमांड टी स्क्रीनर, यहाँ पे देखिए आप, जब आप आईटीसी लिखोगे, मेरे पास इसका पेड वर्जन है, सो फ्री वर्जन में भी आपको मिल जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, आईटी राइट? सो जब आप इसको एक्सपोर्ट टू एक्सेल करोगे यहाँ पे क्लिक करके, देन यू विल गेट एन एक्सेल शीट जस्ट लाइक दैट, ठीक है? और जब नीचे जाओगे प्रॉफिट एंड लॉस प्रोडक्ट सेगमेंट्स में, हम सेगमेंट एनालिसिस करना भी सीखेंगे कि हम सेगमेंट एनालिसिस कैसे कर सकते हैं आगे के सेशन में, राइट? अब सेशन डेली आने वाले हैं, चलो यार इधर ले आते हैं और वापस एक्सेल में चलते हैं। सो ईच लाइन आइटम एज अ परसेंट ऑफ सेल्स इक्वल्स, दूसरी शीट में गए, सेल्स लिया मैंने, डिवाइड करा सेल से ही, राइट? और अब देखो मुझे रो को लॉक करना है ताकि मैं इसको लॉक करके आगे कर सकूं, राइट? मुझे रो को लॉक करना है, कॉलम को नहीं, राइट? सो मैं क्या करूंगा, F4 दबाऊंगा एक बार दोबारा, राइट? 17th रो लॉक हो चुकी है, यहाँ पे डॉलर का साइन दिख रहा होगा, राइट? एंटर मार दूंगी, राइट? 100% मैंने इसको परसेंटेज में ऑलरेडी कन्वर्ट करके रखा है, राइट? सो मैं कमांड सी करके इसको नीचे ले आऊंगा, कमांड वी, राइट? सो आप देख सकते हो कि इसको कंट्रोल बी करते पहले, कंट्रोल बी, ठीक है, हर एक ऐसा परसेंट ऑफ सेल्स आ गया है, कि रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना परसेंट ऑफ सेल्स है, वो 37% है, चेंजेस इन इन्वेंट्री एज अ परसेंट ऑफ सेल्स कितना है, 0.32, पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस आर ओनली 1.3%, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इज 3.95%, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इट शोज मी कि कौन कौन से बड़े बड़े ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो मुझे इनकम स्टेटमेंट में देखने हैं कि जिससे इफेक्ट हो सके। नाउ एक चीज, जो टैक्स है वो एज अ परसेंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स आना चाहिए, लेकिन इसमें फॉर द ईज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग हम इसको एज अ परसेंट ऑफ रेवेन्यू ले रहे हैं, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि टैक्स हमारा रेवेन्यू पे कैलकुलेट नहीं होता, हमारा एबिटडा पे कैलकुलेट नहीं होता, हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे होता है। सो अगर हम इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे भी कैलकुलेट करें, इवन देन इट इज राइट। सो इस केस में मैं इसको एज अ परसेंट ऑफ सेल्स ही ले रहा हूँ ताकि मुझे मार्जिन पता लग सके कि टैक्स का इफेक्ट कितना आ रहा है, राइट? सो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे लीजिए या उस पर लीजिए, डजंट क्रिएट मच, ठीक है? कमांड सी करके इसको ड्रैग करेंगे, कमांड वी कर देंगे, राइट? सो हर एक के साथ, हाँ ठीक है, सही जा रहा है, कॉलम मूव होने चाहिए, आपकी रो फिक्स रहनी चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, कमांड सी कमांड वी, राइट? मुझे मोटा मोटा पता लग गया कि हर एक चीज़ का कितना है, कमांड वी, राइट? ये पूरी मेरे पास कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट आ गई है, जो कि मुझे ये बता रही, देखिए सबसे एंड में नेट प्रॉफिट मार्जिन है इस वाली रो में, राइट? देखिए नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना कंसिस्टेंटली रहा है आईटीसी का, राइट? इसीलिए हम इसको कंसिस्टेंट कंपाउंडर बोलते हैं, काफी अच्छा फ्री कैश फ्लो आपको बना के देती है। सो इससे मुझे ये पता लगता था कि ओवर द इयर्स मार्जिन एनालिसिस कैसा है और कौन कौन से ऐसे वेरिएबल हैं जो इनकम स्टेटमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं। इस केस में देखिए सबसे बड़ा जो एक्सपेंडिचर है आपका आईटीसी के साथ वो है रॉ मटेरियल कॉस्ट का, क्योंकि एफएमसीजी प्रोडक्ट है, राइट? सो दिस वॉज योर कॉमन साइज एनालिसिस। तो ये थी रिटर्न ऑन इक्विटी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी, राइट? जो हमने पिछले सेशन में कर चुके हैं, राइट? अब मैं रिटर्न ऑन इक्विटी को एक्सप्लेन नहीं करने वाला, लेकिन हम डीयू पॉइंट पे आते हैं। देखिए डीयू पॉइंट ना सबसे बढ़िया तरीका ये जानने का कि आरओई जनरेट कैसे हो रहा है, राइट? देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या है सभी को पता है, शायद ही कोई हो जिसको ना बताओ। आरओई का फॉर्मूला है सिंपल से, आरओई नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर
रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट। ये मुझे ये बताता है कि यार शेयर होल्डर के पैसे पे कितना प्रॉफिट बन रहा है एज अ परसेंट, 20% बन रहा है, 10% बन रहा है, कितना बन रहा है, हाउ मच रिटर्न आर यू अर्निंग ऑन दी कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स। नाउ आरओई इतना इंपॉर्टेंट मैटर क्यों है, हम इतना क्यों फोकस करते हैं? वॉरेन बफेट सारे बोलते हैं कि फोकस ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी एंड नॉट ऑन एनी अदर मेट्रिक। इवन रामदेव अग्रवाल जी बोलते हैं कि आरओई इज द मेन क्राइटेरिया फॉर वेल्थ क्रिएशन, राइट। ईपीएस तो बच्चा वाला खेल है, ईपीएस तो हर कोई देख लेता है, मुझे ये जानना है कि आरओई क्या है, राइट। अब आरओई क्यों इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना, वो ओनर ऑफ द बिजनेस होते हैं, राइट। दे आर दी ओनर्स ऑफ द बिजनेस, राइट, कि उनके वो मालिक है कंपनी के, राइट। अब जब भी मालिक पैसा लगाएगा कंपनी, वो तो ये तो जानेगा ना कितना रिटर्न मिल रहा है। सो नेट प्रॉफिट होता है किसके एट्रीब्यूट, किसके एट्रीब्यूटेबल होता है, ये ओनर्स के, इक्विटी शेयर होल्डर। सो एप्पल्स टू एप्पल्स कंपेरिजन हो रहा है यहाँ, एप्पल्स टू एप्पल्स, कि पैसा भी रिटर्न ऑन इक्विटी वालों को मिलेगा, सॉरी इक्विटी वालों को मिलेगा पैसा भी, और जो कैपिटल है वो भी इक्विटी वालों का ही है। सो हम दोनों को कंपेयर करते हैं कि उस कैपिटल पे कितना पैसा बना जो इक्विटी वालों ने दिया, और उस पैसे से कंपेयर करेंगे जो इक्विटी वालों का ही है, राइट। सो आरओई मुझे ये बताता है कि एट द एंड ऑफ द डे हाउ मच यू एज एन ओनर ऑफ द बिजनेस हु हैज टेकन अ लॉट ऑफ रिस्क, कि यार अपना कैपिटल लगाया आपने, इतने सारे रिस्क उठाए, बिजनेस रिस्क है, सिस्टमैटिक रिस्क है, ये वो, फिर मार्केट की वॉलिटिलिटी अलग है, इन सबको रिस्क उठाने के बाद आपका कितना रिटर्न बनता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रिक इन द इन्वेस्टमेंट एंड इक्विटी रिसर्च। सो इसको पढ़ लिया ना अगर, तो बॉस स्टॉक मार्केट में पैसा बनेगा, राइट। सो अब मुझे ये जानना है, आपने बोला कि कंपनी बोल रही है सर हमने 20% आर रिटर्न ऑन इक्विटी बनाया, आपने बोला बहुत बढ़िया यार रिटर्न ऑन इक्विटी, लेकिन अब आप पूछते हो 20% बना, 20% कहाँ से बना, वॉट आर द वेरिएबल्स दैट इन्फ्लुएंस द आरओई, मुझे ये जानना है, दिस इज वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। मुझे ये जानना है कि भाई ऐसे कौन कौन से वेरिएबल हैं जिनसे आरओई इन्फ्लुएंस होता है। वो है तीन वेरिएबल, सबसे पहले आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर रेशियो, इक्विटी मल्टीप्लाई। नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट होता है आपका, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, कि नेट प्रॉफिट ऐसा परसेंट ऑफ सेल्स कितना है, कि सब कुछ कट कुट आने के बाद मेरे पास कितना नेट प्रॉफिट बच रहा है और मेरा मार्जिन क्या है, राइट। सो मोटा मोटा मुझे नेट प्रॉफिट मार्जिन ये बताता है कि मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना बच रहा है, कि इक्विटी वालों को मैं कितना परसेंट दे रहा हूँ एज अ परसेंट ऑफ सेल्स। एसेट टर्नओवर, एसेट टर्नओवर मुझे क्या बताता है, सिंपल सा, सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, राइट, कि मैं अपने एसेट्स को यूज करके कितनी बार सेल्स कर पा रहा हूँ, राइट। अगर मेरा एसेट बेस 10 है, उससे अगर मेरी 100 रुपए की सेल हो गई है, सो मैं 10 टाइम्स एफिशिएंटली यूज कर रहा हूँ अपने एसेट को, दिस इज द एसेट टर्नओवर, 10 टाइम्स मैं रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ एज कम्पेयर टू माई टोटल एसेट बेस। सो जितना ज्यादा हो उतना बेटर है। फिर आता है आपका इक्विटी मल्टीप्लायर, इक्विटी मल्टीप्लायर क्या होता है, टोटल एसेट्स डिवाइड बाय इक्विटी, राइट। ये मुझे ये बताता है कि मेरे पास अगर 100 रुपए का एसेट है, उसमें से कितना डेट से है और कितना इक्विटी से है, राइट। जितना कम हो उतना बेटर है, क्योंकि देखिए आपके पास 100 रुपया का एसेट है, उसमें से अगर केवल 10 रुपए का इक्विटी है आपका, सो इक्विटी मल्टीप्लायर है 10 टाइम्स, कि आप जो 10 रुपए का एसेट है वो सिर्फ 1 रुपए की इक्विटी संभाल रही है, बाकी का जो बचा है 90 रुपए का एसेट वो डेट से आया है, राइट। सो कर्जा जितना ज्यादा होगा आपके कैपिटल बेस में, उतना ज्यादा खतरा बढ़ेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। नाउ इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या बोलते हैं, लेट मी जस्ट क्लियर इट, कि ठीक है आपने आरओई बनाया, ठीक है आरओई इज अ फंक्शन ऑफ, हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय एसेट टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय लेवरेज। सो इन तीनों का फंक्शन है आपका रिटर्न ऑन इक्विटी, इन तीनों में से कोई भी ऊपर जाएगा वो रिटर्न ऑन इक्विटी को बढ़ा देगा, राइट। अब देखिए थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना, ऐसी कौन सी चीजें तीनों में, वन टू थ्री, ऐसी कौन सी चीज बढ़े
तीनों में से दो चीज हो सकती है राइट, कि रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हो, या तो नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़े या तो एसेट टर्नओवर बढ़े। लेवरेज अगर गिर जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी नीचे गिर जाएगी राइट। लेकिन अगर आप ये देखिए, लेवरेज अगर आप ज्यादा ले रहे हो राइट, आप डेट ज्यादा यूज कर रहे हो राइट, सो बेसिकली यू आर मैन्यूपुलेटिंग रिटर्न ऑन इक्विटी, कि आप बता रहे हो कि आपने ज्यादा नेट प्रॉफिट जनरेट करा स्मॉल कैपिटल बेस पे, स्मॉल इक्विटी बेस पे, लेकिन वो नेट प्रॉफिट कहाँ से ज्यादा जनरेट हुआ, आपने डेट भी उठा रखा था कैपिटल बेस में, आपने डेट का कैपिटल भी यूज करके किया, जो नेट प्रॉफिट बढ़ा आपका वो डेट से भी आया था राइट। नेट प्रॉफिट यूज करके आपने, नेट प्रॉफिट जनरेट करने के लिए आपने डेट कैपिटल का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन अब आप नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए केवल इक्विटी कैपिटल लगा रहे हो नीचे डिनोमिनेटर में, सो उससे रिटर्न ऑन इक्विटी आर्टिफिशियली पम्प्ड अप हो जाता है थोड़े टाइम के लिए, आर्टिफिशियली पम्प्ड अप हो जाता है थोड़े टाइम के लिए राइट। सो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो रिटर्न इक्विटी है वो नेट प्रॉफिट मार्जिन से बढ़े और एसेट टर्नओवर से बढ़े और लेवरेज से ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि लेवरेज अगर आपने बढ़ा दिया तो रिटर्न ऑन इक्विटी आपका बढ़ तो जाएगा, लेकिन उससे कंपनी में रिस्क ज्यादा बढ़ जाएगा राइट। कंपनी का रिस्क लेवल विल गो सुपर अप राइट। सो ये चीज समझना हमेशा कि रिटर्न ऑन इक्विटी कैन बी मैन्युपुलेटेड बाय यूजिंग लेवरेज राइट। अब हम इसको एक्सेल में करेंगे, नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड एसेट टर्नओवर। देखिए मैं आ गया हूँ यहाँ पे, मैंने फॉर्मेटिंग ऑलरेडी की हुई है, मैं फॉर्मेटिंग करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं समझता हूँ कि आपको एक्सेल ऑलरेडी आता है। चलो अब देखिए, ये तीनों रेशियो ना मैंने कैलकुलेट करे हुए, मैं क्या करूँगा, इक्वल्स दूसरी शीट में क्या, नेट प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ से ले लूँगा पैट मार्जिन, एसेट टर्नओवर में यहाँ से ले लूँगा, एफिशिएंसी रेशियो है टोटल एसेट टर्नओवर, इक्विटी मल्टीप्लायर फाइनेंशियल लेवरेज भी बोलते हैं इसको, मैं यहाँ से ले लूँगा राइट। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, लो जस्ट अ सेकेंड, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। 32% रिटर्न ऑन इक्विटी था आईटीसी का 2014 राइट। अब हम इसी को कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर देंगे राइट, आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। यहाँ पे 0% क्यों आ रहा है देखने लीजिए, ठीक है 0 क्यों आ रहा है यहाँ पे, P16 में भाग गया ये, अच्छा हमने 2015 से किया है ये तभी, सो इसको 22 तक रहेंगे, तो इसको 15 से खत इक्वल्स कमांड सॉरी ऑप्शन डाउन राइट, दिस एसेट टर्न ओवर 15 का चेन है मुझे ज्यादा करनी चाहिए 0.84, इक्विटी मल्टीप्लाई दोबारा 15 का चाहिए मुझे, फाइनेंशियल लेवरेज 1.45 राइट, कमांड सी कमांड राइट। सो 30% रिटर्न इक्विटी आईटीसी का 2015। अब इसी को मैं आगे ले जाऊंगा कमांड सी कमांड बी राइट, फॉर्मेटिंग करते थोड़े, कमांड वन नंबर कस्टम छोटा सा एक्स राइट, कमांड सी कमांड वी, ये पूरी रिटर्न ऑन इक्विटी आईटीसी की आ गई। नाउ देखिए, इक्विटी मल्टीप्लायर 1.4 से 1.4 से कहाँ भाग गया, 1.24 से इक्विटी मल्टीप्लायर असल में कम हुआ है, और जो एसेट टर्नओवर है वो कंसिस्टेंट रहा है 0.8 टाइम्स पे, लेकिन जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट किया है अराउंड 24 से लेकर के 31% तक की रेंज में। सो मेरे को यहाँ पे पता लग रहा है कि एसेट जो एसेट टर्नओवर है कंसिस्टेंटली रहा है, और इक्विटी मल्टीप्लायर काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो कि एक अच्छा साइन है कि लेवरेज यूज़ नहीं करते आईटीसी, क्योंकि आईटीसी डेट फ्री कंपनी वर्चुअली बहुत मोटा कैश फ्लो निकाल के देती है। सो जो ज़्यादातर आरओई में इतने फ्लक्चुएशन आए हैं वो किस लिए आए हैं, वो है आपके नेट प्रॉफिट मार्जिन की वजह से राइट। सो यहाँ पर मुझे आईटीसी के बारे में एक इंसाइट ये मिलती है, सो दिस वॉज योर रिटर्न ऑन इक्विटी। अब हम आते हैं किस पे, रिटर्न ऑन एसेट पे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात हम बाद में करेंगे ठीक है। देखिए रिटर्न ऑन एसेट क्या बताता है मुझे, हाउ मच
इनकम आई एम जनरेटिंग फ्रॉम माय एसेट बेस, राइट? कि भाई कितना प्रॉफिट में बना पा रहा हूं अपने एसेट बेस यूज करके। यहाँ पे हम न्यूमरेटर में रेवेन्यू ना लेके, क्योंकि वो तो फिर टर्नओवर हो जाएगा ना कि कितने टर्न लेते हो, रेवेन्यू ना लेके वी टेक नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल एसेट। यूजुअली एवरेज एसेट लेते हैं, लेकिन अभी फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम टोटल एसेट लेंगे, राइट? दिस इज द थिंग। सो देखिए, आरओए इज अ फंक्शन ऑफ नेट प्रॉफिट मार्जिन। वंस अगेन, क्या आप कितना नेट प्रॉफिट मार्जिन एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एसेट टर्नओवर भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो मोटा मोटा मुझे क्या पता लगा, यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट्स इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय एसेट टर्नओवर रेशियो, राइट? नेट प्रॉफिट मार्जिन एसेट टर्नओवर रेशियो जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट रिटर्न ऑन एसेट फॉर एनी कंपनी, राइट? चलिए अब इसको एक्सेल में करते हैं एंड जल्दी से सीखते हैं कि भाई कहाँ से क्या निकल रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 15 का, सॉरी 15 का चीन है तेरा, एसेट टर्नओवर, राइट? दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, कमांड सी कमांड बी, राइट? कमांड वन कस्टम एक्स, राइट? कमांड सी। तो जो रिटर्न ऑन एसेट है आईटीसी का वो अराउंड 20% से फ्लक्चुएट हुआ है, और वो कहाँ से आ रहा है, दोबारा से वो नेट प्रॉफिट मार्जिन की फ्लक्चुएशन से आ रहा है। सो दिस वाज रिटर्न ऑन एसेट, कि एसेट बेस पे आप कितना रिटर्न जनरेट करके दे रहे हो अपने प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को, राइट? आई होप आपको क्लियर हुआ हो सेशन। अगले में हम बिजनेस एनालिसिस सीखेंगे, बिजनेस मॉडल को एनालाइज करना सीखेंगे, क्योंकि ये था हमारा न्यूमेरिकल्स। अब हम जाएंगे थोड़ा थ्योरी पार्ट में, क्योंकि थ्योरी इज वे मोर इम्पॉर्टेंट दैन देन जस्ट द न्यूमेरिकल्स। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादातर लोग अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते टू मेक द थ्योरी, क्योंकि बिजनेस फिलोसफी सीखना उतना इंपॉर्टेंट है। सो दिस वॉज मी ग्लोबल कंसिलियन रिसर्च में। आई होप आप सभी को सेशन पसंद आया हो, और मुझे रिक्वेस्ट भेज दो यार। आई रियली रियली होप कि मेरा कॉन्टेंट आपको हेल्प कर रहा हो। सो मेक श्योर कि मेरे को लिंक्डइन पर जरूर फॉलो करें, मैं डेली कॉन्टेंट डालता हूँ टू लर्न इक्विटी रिसर्च एंड वैल्यूएशन। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच फोक्स।